हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो TS7 व्लॉग एंड आई एम योर फ्रेंड शिवम ठाकुरी और आप देख रहे हो मेरा चैनल। और आज दोस्तों हम कहीं बाहर नहीं जाने वाले। मैं आज मेरा छुट्टी है, तो आज बहुत बाहर बहुत गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो हम अंदर ही बैठे हैं एसी में। तो आज हम करने वाले मैंने पहले ही बोला था कि ये एक रैंडम ब्लॉग है, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं, पहली बार मैंने बोला था। तो आज हम एक ऐसे रिव्यू करने वाले हैं जो मूवी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि हिंदी मूवी में, मतलब साउथ में बंगाली मूवी भी डब हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन सबसे पहली बार इन सिनेमा जगत में होने जा रहा है एक नेपाली मूवी हिंदी में डब करके इंडियन ऑडियंस को देने वाले हैं। और वो मूवी का नाम है प्रेम गीत 3, और इसका हाइप इतना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले मे बी इंडिया में सबसे पहली बार इंडिया और नेपाल के बीच में ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब मतलब हिंदी और ये दोनों एक्टर मिलके ये कोई कंबाइंड ये कर रहा है, लेकिन इसमें जो एक्टर है वो नेपाल से ही है, लेकिन हिंदी में डब करके पहली बार इंडिया में भी रिलीज किया जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा वेलकम तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नेपाल और भारत का, मतलब इंडिया का, हिंदुस्तान का जो है वो रोटी और बेटी का रिश्ता रहता है। तो इसे और मजबूत बनाने के लिए और भी अच्छा काम करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले मूवी पे आ जाते हैं कि ये पहली बार मूवी है जो नेपाली मूवी हिंदी में डब करके इंडियन ऑडियंस को प्रेजेंट किया जा रहा है, और इस पर इसके टीजर और ऑफिशियल जो ट्रेलर है उसमें ही बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। और ये मूवी रिलीज हो रहा है 23 सितंबर को नज़दीकी सिनेमा घरों में भी जाइए, और दूर दूर के सिनेमा घर में भी जाके आप लोग इस मूवी को दीजिए, क्योंकि इस मूवी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मूवी बहुत ही लो बजट में बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई भी VFX या कोई भी कुछ भी नहीं है, नेचुरल एक्टिंग है, मतलब नेचुरल जो भी जैसे बेसिक मूवी में होता है, पुरानी मूवी में होता था, जो कुछ खुद करते थे वैसे ही है। इसमें कोई भी स्पेशल इफेक्ट या कुछ भी नहीं किया गया है, और ये एक मतलब बोलिए तो एक हिस्टोरिकल जैसे होता है ना वैसे टाइप का मूवी बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते टेक्निकल गुरुजी वाला ले लेते थोड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये पहनना ज़रूरी है, मैं एयरबड्स पहन लेता हूँ मेरा, और अभी देखते हैं मूवी और उसके बाद हम बताएंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हो जाएगा समाप्त। ओके, ये मतलब मेरा संडे को ब्लॉग आएगा, लेकिन ये थोड़ा बोनस आपके लिए, क्योंकि बीच में ये मूवी जल्दी आ रहा है, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ बोलूं भाई, ये मूवी तो बहुत ही अच्छा लगा। हर एक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। अमन आत्मविश्वासी बलवान, मानो उसके लिए कुछ भी असंभव ना हो, और प्रेम शासन और शोषण की भूमि पर माँ के गर्भ से ही राजा। केवल 7 गांव ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार तक वो अपनी वीरता से लोगों को प्रभावित करेगा। मुझे दरगाह को काफी ऊंचाई पर ले जाना है। जीतने वालों का एक दिन हार इंतजार करती है, मगर एक अड़चन है। मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। ये अड़चन वो अपने नाम के साथ प्री हिस्टोरिक बोलते हैं शायद। कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपके पुत्र को एक ही रास्ता चुनना होगा, एक राजयोग, दूसरा प्रेम योग। याद रहे,
नेपाली मूवी मैंने देखा है, नेपाली मूवी ऐसा नहीं बना, बेसिक बेसिक ही होता है, जो सोसाइटी में चल रहा है उसी को लेके बनाते थे पहले, ठीक है। तो ये कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट आया। गीत बेटी हमारे गांव की एकमात्र खुशी है। ये और आने वाला हर युग तुम्हारा और मेरा युग होगा, प्रेम और गीत का युग। इससे पहले हमारे मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, हिल स्टेशन है छोटा सा, तो मतलब इंडिया में ही नेपाल से बॉर्डर लगभग एक घंटे की दूरी पे, एक डेढ़ घंटे की दूरी पे, ठीक है, इतना नज़दीक। लेकिन ये मतलब प्रेम जो खड़का मतलब वो एक्टर जो है वो आए थे दार्जिलिंग घूमने के लिए आए थे, या कुछ उनका प्रोग्राम था उसके लिए आए थे, तो वो हमारे गांव में भी विजिट कर चुके हैं। मस्त मूवी, मस्त बनाया है, बहुत ही अच्छा है, आप भी जाइए, जाके देखिए, क्योंकि ये मूवी मतलब जो हिंदी में डब करके जो बनाते हैं ना, वो उसका मतलब इफेक्ट ही अलग ही है। मतलब हिंदी में तो हिंदी में ही होता है भाई, लेकिन लैंग्वेज होता है ना, हम पहले बचपन से शक्तिमान देख के पैदा पैदे होते हैं, हम मतलब छोटे थे तब से ही हम शक्तिमान देख के बड़े हुए हैं ना, शक्तिमान जूनियर जी, सकेला का बूम बूम, ऐसा हम हमारे बचपन में ऐसा होता था। तो जोरो द जोरो बोल के ना एक आता था, जोरो मूवी इंग्लिश वो आता था, सारा पे आता था। तो हम ऐसे कार्टून वगैरह हिंदी में ही बचपन से हिंदी मूवी देख के आए हैं, तो ऑफकोर्स बहुत ही मतलब हिंदी में जो देखने में मज़ा है, जो उसमें नहीं, मैं मतलब इंग्लिश में मूवी देखता हूँ ना तो हिंदी में ही पसंद है मुझे, और हिंदी में देखता हूँ तो मज़ा आ जाता है, बहुत कुछ समझ आता है ना, तो उसके पंच भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो होप आप लोग सब जाइए, जाके देखिए, मूवी मस्त है और ज़बरदस्त लगा मुझे। हालांकि ये लो बजट का मूवी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, सिनेमा जो दिखा रहा है ट्रेलर में जो हमने देखा बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा ये प्रदर्शन करे। हम सभी टीम को, प्रेम गीत के जितने भी टीम हैं जो एफर्ट किया है यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए, करने के लिए, सो उन सबको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा मतलब शुभकामनाएं, हम इंडिया की तरफ से शुभकामनाएं, और हम तो दार्जिलिंग भाई, हम तो नज़दीक ही रहते हैं, पड़ोसी है, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए मेरे चैनल और सपोर्ट करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो मत करना, मैं मतलब फोर्स नहीं करता, मुझे बॉयकट करने मत लग जाना भाई। सब लोग बोल रहे थे कि हाँ हिंदी हमें बॉयकट करो, हमें अभी बॉयकट बॉयकट चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये मतलब छोटी मूवी है ना, तो प्रमोशन छोटी मूवी है, लेकिन फिर भी ट्रेजर में ही, ट्रेलर में ही मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू है, तो पक्का ये मूवी तो हिट हो, मतलब हिट सुपर नेपाल की, मतलब नेपाल के जो बजट में जो बनाया गया उससे तो मतलब सुपर हिट ही होगा, बहुत ही ज़्यादा कमाई हो, अच्छा हो, और भी प्रोजेक्ट ऐसे लेके आए और हिंदी और इसमें दोनों मिलके और भी अच्छा मूवी बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं दोनों को, मतलब हिंदी को भी और नेपाली मूवी जो बनाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है सबको हम बहुत ही मतलब शुभकामनाएं देते हैं। और मेरा फ़ोन आ रहा है घर से बार बार, देखिए, तो हम इतने में ख़त्म करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, और मेरा चैनल देखते रहे, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, ये बहुत ही बड़ा पंगा हो जाएगा भाई, ठीक है। और हम ऐसे ही बना के आएंगे और वीडियोस लेके आएंगे, साला झुकेगा नहीं पुष्पा बाबू, पुष्पा बाबू बोलते हैं ना, झुकेगा नहीं, मैं भी झुकेगा नहीं साला।